गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया भाषा के सीरीज में वॉल्यूम, तो उसके कल अपने फॉर्मूले याद किए थे, फॉर्मूले बनाने से पहले हम उसे वॉल्यूम की बनेंगे, तो आज उसके चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले वॉल्यूम जो है वो इससे स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला एग्जांपल क्या हुआ है, द लेंथ ऑफ द बॉक्स 1.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स 1.25 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल 65 सेंटीमीटर। आपको एक बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब आपसे पूछा गया है और हाउ द उसकी टॉप नहीं है एंड नॉट हैव ए सरफेस पार्ट, उसके ऊपर बॉक्स की टॉप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रूम है उसका टॉप भी सीलिंग नहीं है, एक मेन उसके फाइव को लिए हुए, एक रूम है उसकी सीलिंग नहीं है बट टॉप नहीं है, इसका मतलब फाइव हो उसकी सिक्स नहीं हो। और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया होता है 5 बॉल्स, टोटल एरिया होता है 5 बॉल्स, तो आपको 5 को दीवार का एरिया का जो फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था वो यहाँ आपको फॉलो करना है। तो इसके अंदर आपको बोला है द प्लास्टिक ओपन द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस एरिया ऑफ 5 बॉल्स। क्या होता है एरिया ऑफ 5 बॉल्स, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट लेंथ प्लस बी मल्टीप्लाई लेंथ इनटू बी। एक चीज हम कहना ये मीटर में है, ये मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, आपको ध्यान में है सभी मेजरमेंट सेम होने चाहिए, या तो इनको सेंटीमीटर में कर लो या इसको अपन मीटर में कर लेते हैं, ऑप्शन आपके ऊपर है आप किसको लेना चाहोगे। आपके पास क्वेश्चन भी दी हुई है कि 1 मीटर दे देते हैं, अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.65 मीटर। आपको पता है 1 मीटर में तो 65 सेंटीमीटर में 0.65 मीटर हो गया। अब वैल्यू टू इंच के अंदर 2 मल्टीप्लाई एच हाइट कितनी है, डेप्थ को हाइट बोलते हैं, 0.65 प्लस 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी, लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, सो लीजिए इसको 0.65 को 2 से कीजिए आइडियल 10 30 1.30 मल्टीप्लाई कीजिए उनको ऐड करके 2.75 मल्टीप्लाई इनको बदल लीजिए 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इनको एट करना था, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको एट करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप थर्टी को 1.30 और 2.75 से इनको करेंगे अपन 3.575 जीरो रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 1.875 अब इनको सबको एड कर दीजिए 5.450 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है वो 5 बॉल्स का एरिया है, कितने का 5 बॉल्स का एरिया है आपके पास 5.450। अब आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ द बॉल, द कॉस्ट ऑफ द सीड फॉर मेकिंग द सीड मेजरिंग द 1 मीटर इज कॉस्ट 20, कॉस्ट ऑफ द सीड, कॉस्ट ऑफ सीड, सीड की कॉस्ट पूछी है। आपको पता है एक मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 5.450 कितनी होगी,
5.450 मल्टीप्लाई 20। ओके क्लियर। अभी इनको एक करेंगे अपन, अभी 0 0 और 10 अभी देखिए 3 के बाद कैसे होता 109 रुपीज। ओके अपने पास टोटल जो कॉस्टिंग है वो कितनी आएगी 109 रुपीज। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, उसमें भी ये दिया है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आप 5, 4 and 3 meter फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। आपको सीलिंग और फोर वॉल्स, सीलिंग और फोर वॉल्स पेंट करना है, उसकी कॉस्टिंग पूछी है। तो एज इट इज आपको ये करना है, फाइव वॉल्स का फॉर्मूला फॉलो करना है, जो आपका एरिया आएगा उसको लास्ट में आपको कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ द हॉल इज 250 मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम या हॉल। तो आपको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ द हॉल दिया है, होल फ्लोवर का दे दिया है, टेबल के साथ आपको फ्लोवर का दिया है, कितना दिया 250। तो फ्लोवर किस शेप में होता है, पिरामिड का होता है, हाँ देखो फ्लोवर पिरामिड का होता है, फ्लोवर ऑफ हॉल इज इक्वल 450। यू नो दैट, मैं पता है फ्लोर ऑफ हॉल इज इक्वल क्या होता है, इन रेक्टेंगल शेप, ए रेक्टेंगल होता है। तो पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस 3। बेटा इसमें वैल्यू करो 450 is equal to 1 length plus width. तो को बाहर निकालो, length plus width is equal 450 upon 2 is equal काटो को 225। एजुकेशन मतलब length और width दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया 225। दूसरी चीज हमें क्या दी है, द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स, चार दीवार के पेंटिंग की कॉस्ट। तो फोर वॉल्स की कॉस्ट कैसे आती है, उसके एरिया को अपन उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। अपन क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स is equal area of four walls multiply rate per meter square। ये होता है कि चार दीवार का एरिया जो होगा फोर वॉल्स का, उसको अपन रेट से इंक्रीज कर देंगे। और अपने पास ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया ऑफ फोर पोल्स ऑफ फॉर्मूला होता है टू मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। जब अपने पास एरिया ऑफ फोर पोल्स है कितना है 1500 टू बाय टू एच प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू प्लस दी हुई है वो ये 225। तो मैं इसकी जगह क्या रखूंगा 225। क्लियर है, अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या करेंगे अपन, इस टू को बाहर निकाल देता हूं, क्या इससे इसको इंटू कर देता हूं, इंटू कर देता हूं 1500 इज इक्वल टू को इससे इंटू कर दो एच मल्टीप्लाई टू को 225 से लेंगे 450। अब फोर क्यों बाहर निकाल दो एच को ही रखना है अपने को, एच इज इक्वल 1500 / 450 जीरो से जीरो बेटा। अभी हमें क्या करना है 45 से इसको काटना है। अब 45 से आपको काटना था सीधा काटो, अदरवाइज अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से रिड्यूस कर देता हूं, फिर से कर सकते हो 5 से करता हूं, 5 से 15 0 5 टाइम्स आर 45 रिड्यूस हो सकता है। अब आप वापस से डिवाइड करो 9 9 9 27 27 कितना 3 रह गया, थैंक यू वेरी मच।